हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में टमाटर की चटनी बना के दिखाऊंगी। ये मैं टमाटर ली हूँ, ये 1.5 केजी टमाटर है। इसकी चटनी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये मैं इसको धो के ले ली हूँ। चलिए दिखाती हूँ। एक टोकने में पानी ले ली हूँ। अब इसमें मैं टमाटर को डाल दूंगी। हल्का सा इसको हम उबालेंगे ताकि इसका छिलका छिल जाए। टमाटर को मैं 2-3 मिनट तक ढक के रखूंगी ताकि हल्का सा पक जाए और इसका छिलका उतर जाए। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक हम सामान जो ले लेते हैं सब। ये है चीनी, ये है गुड़, ये है मेलन सीड, ये है काला नमक, ये है फूड कलर, रेड कलर। अब हम टमाटर को देख लेते हैं कि टमाटर पक गया है कि नहीं। टमाटर को हम देख लेते हैं पका है कि नहीं। टमाटर हमारा पक गया है, देख सकते हैं आप, फट गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे निकाल के, और फिर उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे और ग्राइंड करेंगे। टमाटर को मैं एक बाउल में निकाली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी हम डालेंगे ताकि हम आसानी से छील पाएँ। ठंडा पानी रहेगा तो छिल जाएगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा। थोड़ा बहुत गर्म है। इसका छिलका हम छिलके इसलिए बनाते हैं कि छिलका इसका नुकसान करता है। बहुत बहुत गर्म है, अभी ठंडा थोड़ा सा हो जाए। टमाटर का छिलका मैं उतार ली हूँ, देख सकते हैं। इसको मैं कट कर ली हूँ ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसको एक मिक्सी की जार ले ली हूँ मैं, और इसमें मैं डाल के इसको ग्राइंड करूँगी। टमाटर को मैं मिक्सी जार में डाल ली हूँ, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। सारे टमाटर को मैं पीस ली हूँ। अब मैं ली हूँ एक छन्नी और एक बड़ा बर्तन। अब इसमें मैं टमाटर के पल्स को डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से छानूंगी। इसको मैं टमाटर को ऐसे ऐसे करते हुए सब छान के निकालूंगी। इसका बीज रहेगा ना तो निकल जाएगा। ये निकल रहा है ना, इसको मैं अच्छे से छान ली हूँ, अब बनाऊंगी। चलिए बनाते हैं। कढ़ाई गरम हो रही है, अब हम थोड़ा सा मेलन सीड को भून लेंगे हल्का सा ताकि जो कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। नीचे टकने लगा है, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर ली हूँ। अब मैं इसमें टमाटर, इसको हम चलाएंगे। पहले इसमें हम डालेंगे चीनी ताकि चीनी गल जाए, और गुड़ डालेंगे। आप जितना मीठा खाते हो उसी अनुसार डालना, थोड़ा चटनी मीठी रहती है तो अच्छी लगती है, इसलिए हम गुड़ डालेंगे। गुड़ का कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे, गुड़ गल जाएगा और चीनी गल जाएगी। ऐसे आप बनाकर बच्चों को सॉस की जगह खिला सकते हैं। मार्केट का सॉस ज़्यादा दिन से रखा रहता है ना, इसलिए वो शरीर के लिए फ़ायदा नहीं रहता। गुड़ हमारा गल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, खट्टा मीठा हो जाएगा। अगर आपको केवल सॉस बनाना हो तो आप नमक नहीं डालेंगे, और चटनी के रूप में खाना होगा तो खट्टा मीठा नमक और अच्छा लगता है। और ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, फूड रेड कलर है, इससे कलर अच्छा आता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर मिलाने से आपको जैसे लगेगा कि मार्केट का
सॉस है, इसी तरह से पानी ऐड करेंगे तो वो चटनी ख़राब हो जाएगी, और केवल टमाटर रहेगा उसी के पानी से हम चटनी बनाएंगे। इसे आप महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो महीना भर तो चली जाएगा, एक बार बनाएंगे महीना भर खाएंगे। हमारी चटनी एकदम गाढ़ी हो जानी चाहिए, धीरे धीरे देखो ये गाढ़ा हो रहा है, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। तो हमारी चटनी धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ये मेलन से डाल देंगे, इसको भी हम 2 मिनट इसके साथ चटनी के साथ पका देंगे। चटनी एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। आपको मेरी चटनी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा और बच्चों का घर का ही बना के खिलाइएगा चटनी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।